नमस्कार, मेरा नाम है मोहन प्रसाद और आपका स्वागत है एमपी फैक्ट इन्फो के पहले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं राजस्थान के कुलधरा गाँव की रियलिटी का सच। कुलधरा गाँव राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव में कालो नाम की चुड़ैल का दस्तक आज भी है। कहा जाता है कि इस चुड़ैल ने 18वीं शताब्दी में कुलधरा गांव के अंदर अपना आतंक फैला रखा था और अमर होने के लिए गांव की जवान लड़कियों को मारकर उनकी बलि चढ़ाती थी। कालो चुड़ैल के आतंक से गाँव वालों ने अपनी जवान लड़कियों को घर से निकलने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी गांव वाले इस चुड़ैल से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। कुलधरा गांव जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों का यह कहना है कि कुछ लोगों ने गांव में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वे सब मारे गए। कुछ जानकारों का यह मानना है कि इस गांव में डरावनी कहानियों का सहारा लेकर एक गिरोह इस गांव में अवैध काम करता है। आसपास के गांव से गायब हुए लोग इस गिरोह में शामिल हो जाते हैं। इस गिरोह ने ही इन भूतिया कहानियों को इतना ज़्यादा प्रचलित किया है ताकि कोई भी इस गांव में ना आए। कालो चुड़ैल के ऊपर बॉलीवुड की एक मूवी बन गई है जिसका नाम है कालो और यहाँ 2010 में रिलीज हुई थी। कालो चुड़ैल से बचने के लिए गांव वालों ने एक यांत्रिक की मदद ली और इस चुड़ैल को पकड़कर रेतीले रेगिस्तान में मारकर दफना दिया, लेकिन असली मुसीबत तो कालो के मरने के बाद शुरू हुई। कालो मरने के बाद भी गांव में वापस आ गई और वह इस बार और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई थी, जिससे उसे कोई भी नहीं मार सकता था और उसने गाँव वालों से बदला लेना शुरू कर दिया था। इस चुड़ैल के डर से गांव वालों ने कुलधरा गांव एक ही दिन में खाली कर दिया था। आज 250 सालों से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन कुलधरा गांव आज भी भारत की डरावनी जगहों में से एक है। कहा जाता है कि कालो आज भी इस वीराने और खंडहर हो चुके कुलधरा गांव में भटकती रहती है और जो भी इस गाँव में जाता है वह लौट के नहीं आता। तो दोस्तों, आप लोग को यह कहानी सच्ची लगी या झूठी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।